तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप दूसरे के व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे पास दो मोबाइल है और दोनों ही मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और जो आपको ये फर्स्ट वाला जो मोबाइल देख रहे हैं जिसमें राधा कृष्ण का फोटो है, इसका व्हाट्सएप मैं आपको ये सेकेंड मोबाइल में लॉगिन करके दिखाऊँगा आपको। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम व्हाट्सएप वेब सर्च मारेंगे। सर्च मारने के बाद देखिए ये व्हाट्सएप वेब ब्लू कलर का है, ये नीचे वाला व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए पिन हो के आएगा इस मोबाइल का, इस मोबाइल का जो व्हाट्सएप, इस नंबर पे जो व्हाट्सएप है उसका QR कोड ओपन हो गया, क्योंकि हमको इस मोबाइल में हमको देखना है। चलिए जैसे ही ओपन हो गया, अब हम इस मोबाइल का व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम चाहेंगे, देखिए यहाँ थ्री डॉट लिखा हुआ है, थ्री डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए आपको QR कोड दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है माई स्कैन और स्कैन कोड, तो हम स्कैन कोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको स्कैन करना है। चलिए अब हम स्कैन करते हैं। ये देखिए डिवाइस लॉगिन कोड डिटेक्टेड। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये एक बार और स्कैन मांगेगा, ठीक है। लिंक ए डिवाइस, अब हम जैसे एक बार और करेंगे तो इस मोबाइल का डाटा इस मोबाइल में खुल के ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यूज़ मोबाइल डाटा। ये देखिए अब पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। जैसे हम पासवर्ड किए, अब देखिए ओके करेंगे, ये एक बार और स्कैन करने के लिए मांग रहा है, ठीक है। अब हम इसको स्कैन करेंगे, जैसे स्कैन करेंगे ये खुल के ओपन हो जाएगा। देखिए इसका व्हाट्सएप का डाटा इसमें ओपन होगा। अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लॉगिन योर चैट ओपन हो रहा है। ये देखिए ओपन होकर आ गया पूरा डाटा। ये देखिए अब हम मैच करेंगे इस व्हाट्सएप का डाटा, इस व्हाट्सएप से हम मैच करेंगे, ठीक है। चलिए इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए BSc सेम 1 2023 10B, यहाँ पर देखिए BSc सेम 1 2023 10B। ये देखिए सेम डाटा एकदम दिख रहा है आपको, ठीक है। सेम डाटा आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब हम किसी का भी स्टेटस देखेंगे इस मोबाइल का, तो देखिए यहाँ से हम ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ स्टेटस दिखा जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये स्टेटस है, इसे इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए स्टेटस ओपन होकर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम इसको बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद ये देखिए अब हम इसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट आसान से कर देंगे, लेकिन अभी हम देखिए इसको पहले हम बैक करके फिर से ओपन करेंगे। ये हम ख़त्म करते हैं इसको, ये ख़त्म हो गया। अब इसको हम फिर से ओपन करते हैं, ठीक है। फिर हम जाएंगे गूगल पे, व्हाट्सएप वेब सर्च मारेंगे। सर्च मारने के बाद उसी तरीक़ा से फिर इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक खुल जाएगा अपने आप। ये देखिए ये खुल के तैयार हो गया एकदम, वही चैट सेम चैट देखिए खुल के। अभी हम कुछ भी मैसेज करेंगे इसमें मैसेज करेंगे तो इसमें ज़रूर जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, देखिए ये मैसेज आ गया, ठीक है। अभी आप देखिएगा, अभी हम मैसेज करते हैं, कुछ भी मैसेज कर रहे हैं, देखिए ये जा रहा है। इसमें जो रहेगा इसका डाटा इसमें ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे लॉग आउट कैसे करना है। देखिए आपको ये थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको देखिए लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर लॉग आउट जैसे ही करेंगे फिर से अब हम लॉग आउट कर देंगे। ये देखिए लॉग इन आउट हो गया। अब कोई भी इस मोबाइल का डाटा इसमें कुछ नहीं है, ये ख़त्म हो गया सब लॉग आउट करने के बाद, ठीक है। और गाइज अब हम जानेंगे कोई भी मेरा व्हाट्सएप वेब के थ्रू मेरा व्हाट्सएप हैक किया है, तो अब हम कैसे जानेंगे कि मेरा व्हाट्सएप हैक किया गया है। अब हम व्हाट्सएप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए थ्री डॉट दिख रहा है आपको, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लिंक डिवाइस आपको दिखा रहा होगा, लिंक डिवाइस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लिंक ए डिवाइस आ रहा है, फिर गूगल क्रोम लिनक्स आ रहा है। तो देखिए जैसे इस पर गूगल क्रोम पर हम क्लिक करेंगे तो आपको लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा कोई डिवाइस व्हाट्सएप का हैक किया गया है, ठीक है। इसलिए हम लॉग आउट करेंगे तो वो सारा डिवाइस हट जाएगा। आप साइड में वीडियो जो चल रहा है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लॉग आउट करेंगे वो हट जाएगा। चलिए अब हम लॉग आउट करते हैं।
जैसे हम लॉग आउट किए, ये देखिए यहाँ से गूगल क्रोम हट गया क्योंकि अब मेरा कोई भी डाटा उसके पास नहीं है। ठीक है, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस, आप महीने दो महीने में ये देखते रहिएगा कि मेरा कोई व्हाट्सअप वेब के थ्रू व्हाट्सअप हैक तो नहीं किया है। यहीं से लिंक डिवाइस खोलिएगा, वहाँ से देखिएगा कुछ तो नहीं है यहाँ पे ना, गूगल क्रोम। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर।